नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश का उत्तराखंड एडिशन। और हर रोज की तरह एक बार फिर आज हम एक नई विधानसभा के साथ मौजूद हैं। आज मेरा गांव मेरा देश में हम बात करेंगे पौड़ी विधानसभा की। जी हाँ, पौड़ी विधानसभा कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और ऐसे में अब 2022 के विधानसभा चुनाव है तो कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरीके से आमने सामने यहां पर नजर आ रही है। अगर पौड़ी विधानसभा की बात की जाए तो देखिए, पौड़ी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पर्यटक के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण इसे माना जाता है। पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, तमाम परेशानियां भी लोगों को वहां पर होती हैं। ज़्यादा अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं लोगों को और कुछ गांव तो अब भी ऐसे हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित लोग नजर आते हैं। इसीलिए आज हम पौड़ी विधानसभा में किस तरह की परेशानियाँ हैं और बीजेपी ने 5 साल के इस कार्यकाल में क्या कुछ पूरा किया है क्या नहीं किया है ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर देखिए अभी की बात की जाए तो अभी बीजेपी के मौजूदा विधायक जो हैं वो मुकेश सिंह कोहली हैं जो बीजेपी से हैं, पौड़ी गढ़वाल से विधायक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अभी आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि लोगों में किस तरह से नाराजगी विधायक को लेकर है। तो ये पौड़ी विधानसभा की आप तस्वीरें देख रही हैं, महिलाएं किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही हैं वो ये तस्वीरें हैं। दरअसल सड़क नहीं बनी है अब तक क्षेत्र में, उसको लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उसी परेशानी से ये महिलाएं देखिए, टावर नहीं तो वोट नहीं, लापता विधायक, इस तरह के पैम्पलेट्स लेकर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं क्योंकि महिलाओं का ये भी आरोप है कि क्षेत्र में ना तो विधायक आते हैं, इसीलिए लापता विधायक का पैम्पलेट लेकर ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं। साथ ही सड़क नहीं बनी है उसको लेकर भी नाराजगी है। ये देखिए सड़कों की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जब हमने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं उसके बाद भी देश में, भारत में कितने गांव ऐसे हैं जहां पर ना तो सड़कें बनाई गई हैं ना ही मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। हालांकि देखिए, बीजेपी सरकार की तरफ से विकास की खूब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि उत्तराखंड में खूब विकास हुआ है, 21 साल में उत्तराखंड को खूब काम किया है, उत्तराखंड को और बहुत कुछ दिया है, लेकिन असलियत क्या है और क्या कुछ वहां की जनता कह रही है वो इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद हमारे संवाददाता भी यहाँ से जुड़ेंगे, पौड़ी से, और एक स्थानीय निवासी भी जुड़ेंगे। लेकिन ये प्रदर्शन महिलाओं का जिस तरह से चल रहा है वहाँ पर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुनिए। इस रोड जो पीपल पानी हमारी नाम सुधार वाली रोड है, कम से कम होगी 8-9 किलोमीटर रोड है ये, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये काफ़ी, इसकी दशा जो है बहुत बुरी दशा हो रखी है और इस पे मतलब कि जाने लायक अब रही नहीं है, काफ़ी टाइम से ये बनी भी नहीं है, कम से कम हो गए 15 साल हो गए, जिसके उसके बाद 15 साल के बाद अभी तक ये इसका डामरीकरण या पक्कीकरण जो होता है ये हुआ नहीं है। और हम भी लगातार अपने प्रयासों से लगे पड़े हैं, अपने जो हमारे नेतागण होते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ पे। इस तरह से पौड़ी विधानसभा की जनता परेशान है, कितना विकास कितना जुमला यहाँ पर, ये कोशिश हम जानने की करेंगे। इसीलिए आपको बता दें कि स्थानीय निवासी भी हमने जोड़े हैं ताकि ये मंच उन लोगों के लिए है ताकि जिनकी बात सुनी नहीं जाती और जो वादे जो दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं आखिर उन दावों में उन वादों में कितना दम है ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक मौका जनता को देना बनता है वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है आम जनता, क्योंकि चुनाव के समय में उस जनता को लुभाने की सभी पार्टियां बहुत कोशिश करती हैं, बहुत वादे करती हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे, हम इतना विकास कराएंगे, हम इतनी सुविधाएं देंगे। लेकिन देखिए, उसके 5 साल बीत जाते हैं और 5 साल के बाद अगला चुनाव भी आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से लोग परेशान रहते हैं, किस तरह से सड़कों का हाल रहता है वो तस्वीर आप देख सकते हैं।
आपको बता दें, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये महिला यहां पर विधायक मुकेश कोहली मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं। साथ ही ये वीडियो ग्राम नलिये कलजी खाल ब्लॉक का बताया जा रहा है, क्योंकि वहां की महिलाएं परेशान नहीं है। और पैम्पलेट्स आप देख सकते हैं, टावर नहीं तो वोट नहीं, यानी कि चुनाव बहिष्कार की सीधे सीधे महिलाएं बात यहां पर कह रही हैं कि अगर टावर नहीं लगेगा तो वोट नहीं हम देंगे। साथ ही आपको बता दें कि विधायक के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी की गई, विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, क्योंकि क्षेत्र में महिलाओं का कहना है कि ना तो विधायक आते हैं ना जनता की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, जैसा मैंने पहले बताया था, हमारे संवाददाता भगवान सिंह यहां पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान सिंह, आप से जाना, पौड़ी गढ़वाल की अब हम तस्वीरें देख रहे थे जहां पर विधायक कहां हैं, विधायक को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लापता विधायक और टावर नहीं तो वोट नहीं के पैम्पलेट्स लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, किस तरह की परेशानी वहां की जनता को देखने को मिल रही है? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे जो ये पौड़ी विधायक है मुकेश कोहली, वर्तमान के भाजपा के विधायक है और बहुमत की सरकार है। मैं चाहे केंद्र की बात करूं चाहे राज्य की बात करूं, दोनों सरकारों के पास बहुमत है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि जो एक कलजीखाल ब्लॉक है, क्योंकि ये कलजीखाल ब्लॉक एक नलाई गांव है जहां पे कि टावर के लेके ग्रामीणों ने काफ़ी दिन, एक दो दिन पहले इस पे धरना प्रदर्शन किया था, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे कि लोगों ने यही कहना है कि इस बार अगर ना हमें टावर नहीं लगेगा तो वोट नहीं। एक तरफ सरकार कहते हैं डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन वहीं कहीं बात करें तो इस समय कि अगर ना वहाँ पे जिस तरह से कोरोना काल के बाद, क्योंकि बच्चों को कोविड के कारण से उनको जो स्कूल बंद हो गई थी, जिनको उनको नेट के ज़्यादा ही पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई, लेकिन वहाँ पे इस ग्रामीण क्षेत्र में अगर टावर नहीं है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपको बता दूँ, इस क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, चाहे तीरथ सिंह रावत की बात करें, चाहे वर्तमान के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यहाँ के जो बीसी खंडूड़ी, उनकी गृह क्षेत्र का ये मामला है, और सांसद जो कि वर्तमान के जो सांसद हमारे तीरथ सिंह रावत जो कि उनके क्षेत्र का ये मामला है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि तमाम वहाँ पे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता को एक तरफ अब देखने को ये मिल रहा है कि 2022 का चुनाव जब नजदीक आ जाते हैं तो राजनेता अपने क्षेत्र भ्रमण करते हैं। तो वहीं बात करें तो विधायक मुकेश कोहली की, तो मुकेश कोहली लगातार क्षेत्र में तो रहते हैं, लेकिन क्षेत्र में कहाँ पे रहते हैं ये लोग यही कहते हैं कि मुकेश कोहली तो कहते हैं कि मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूँ, लेकिन क्या मुकेश कोहली के इस क्षेत्र के पर ध्यान नहीं दिया गया? एक डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, आपको मैं बता दूं पारुल कि अभी कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले यहाँ पे उत्तराखंड के जो विधायक और मुख्यमंत्री है वो तमाम छात्राओं को मोबाइल कनेक्ट मोबाइल दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, लेकिन जहाँ पे नेटवर्क नहीं होगा तो उस मोबाइल का करना क्या है? वो मोबाइल खाली सूफीज के ऐसा रह जाए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, एक बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, आगे बढ़ाना है, विकास की यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं चुनाव में, क्योंकि हम बीजेपी की इस बार बात देखें तो वो कहीं ना कहीं विकास की बागडोर पर ही आगे बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में देखिए, पौड़ी जो है पर्वतीय इलाका है, पर्वतीय क्षेत्र है, हालांकि पर्यटक के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण पौड़ी को माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर हम देख रहे हैं, और वो भी 21 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ पौड़ी जिला एक हमारा सबसे, अगर ना गढ़वाल का मुख्य द्वार देखा जाए तो पौड़ी है, पौड़ी मुख्य द्वार है हमारा, लेकिन पौड़ी मुख्य द्वार के कारण से अगर ना जहाँ से गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, मुख्यालय में अधिकारी यहाँ पे कहते हैं कि बड़े बड़े कमिश्नर यहाँ बैठेंगे, अधिकारी यहाँ बैठेंगे, लेकिन अधिकारी जो बात करें इन अधिकारियों के, रोड अधिकारियों से मिलने के लिए कहा जाता है तो वो उनका एक ही दर्जा होता है कि हम मीटिंग में देहरादून, तो देहरादून में मीटिंग में रहना है तो यहाँ पे गढ़वाल मंडल बना के क्या फायदा है? लोगों की समस्या को नहीं समाधान किया पाता है। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही देखिए भगवान, आप तो लगातार फील्ड में भी रहते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो उसको लेकर कैसे इंतजाम है पौड़ी विधानसभा में, और शिक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि बहुत ही दोनों चीज़ महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पौड़ी जिले में थोड़ा सुधार तो हुई है,
कि लेकिन कहीं ना कहीं जब से पौड़ी की बात करें, मैं पौड़ी मुख्यालय जो इंद्रेश हॉस्पिटल, वहाँ पे पहले जरा डॉक्टर कम रहते थे, लेकिन अब डॉक्टरों की नियुक्ति है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन उस कमी को भी सरकार को दूरी करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान के जो विधायक है मुकेश कोहली, वो कोरोना काल में तो हमेशा बेशक से यहाँ पे रहे, लेकिन जो मतलब जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा नहीं हो पाएगी, तो आदमी रहने के बावजूद भी अगर नहीं रहता है तो वो जनता यही कहती है कि नहीं रहता है। रोडों की बात करें तो रोडों की स्थिति यहाँ है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, शिक्षा में कहीं स्कूल ऐसे है कि जो जर्जर स्थिति में है। पलायन की बात करें तो पलायन सबसे ज्यादा पौड़ी जिले से ही हुआ है। मैं अगर ना बात करूं, पलायन ऑफिस जो खुला है पौड़ी जिले में खुला है, लेकिन खुद जो पलायन आयुक्त के अध्यक्ष है वो वहाँ अधिकारी है, वो वहां से पलायन कर चुके हैं, तो कैसा पलायन रुकेगा, मेरी ये समझ में नहीं आता बात। जी, तो यानी कि सरकार की और प्रशासन की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं किए जाते पलायन को रोकने के लिए। मैं नहीं मानता कि कोई व्यवस्था कर पाते, व्यवस्था जो खाली किया जाती है इनका, तो पलायन को बात करते हैं, कहते हैं कि पलायन रुकेगा। पलायन किस कारण से रुकेगा, मैं आपको बता दूं, पलायन का तीन उद्देश्य है, एक तो शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होने चाहिए सही, और मेन है रोजगार। अगर ना रोजगार मिल जाता है तो हमारे जो इस समय मैं बता दूं कोरोना काल में काफी हमारे भाई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, चाहे तमाम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगारी के लिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की बात बताऊं मैं आपको, तो उत्तराखंड में तीन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई कर दी हो उसने तो वो फौज में चला जाता है, फौज में भर्ती नहीं हो पाया तो होटल की नौकरी, होटल में नहीं लग पाया तो ड्राइविंग लाइन। तो ड्राइविंग लाइन में मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड जनपद पौड़ी की बात करें तो अगर ना यहाँ पे की बेरोजगारी की बात करें तो पांच, वैसे भी हमारा पौड़ी कहा जाता है पर्यटन नगरी, लेकिन मैं आपको बता दूं पौड़ी की स्थिति ऐसी है कि 2 बजे के बाद मार्केट में आपको बड़ा सुनसान नजर आता है कि पर्यटन को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। इतनी अगर मैं बताऊं आपको तो अगर ना हिमालय का व्यू अगर ना आप देखेंगे तो पौड़ी जिले से सबसे टॉप से दिखाई देता है, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री पौड़ी से आते हैं, कई मुख्यमंत्री मैं मानता हूँ उत्तराखंड सबसे बना है, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री दिया है तो पौड़ी जिले से दिया है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है मुझे खुश होता है कि मैं ऐसे जिले से आता हूँ कि जिस जिले से अगर की बात करें विकास की बात राजनेता बहुत करते हैं, लेकिन जो नकार की बात है मैं नहीं मानता हूँ कि मैं खुश हूँ कि मैं पौड़ी जिले से आता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि कहीं भी बाहर जाते हैं हम कहते हैं कहाँ से आप, हम कहते हैं पौड़ी जिले से, तो कहते हैं यार पौड़ी का नाम तो बड़ा है लेकिन पौड़ी विकास के नाम पे पीछे क्यों हो रहा है। जी, वो तो खैर तस्वीरें देखकर ही पता चल रहा है कि विकास वहां पर कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। चलिए ठीक है ये तो, लेकिन अगर आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, सुधार हुआ है लेकिन कुछ बहुत उतनी खास नहीं है जितनी होनी चाहिए, अगर कोरोना काल की बात कर ली जाए तो उस तरह में लोगों को उस समय में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही थी, और साथ ही अब देखिए आगे आने वाले समय में देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ रहा है, उसको लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल, कि मैं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अपना, स्वास्थ्य विभाग की कमी नहीं होती है, कमी स्वास्थ्य कर्मियों की नहीं होती है, तो कमी होती है प्रशासन की, जिनके जो उनको सुविधा दिया जाती है। मैं कहता हूं कि अगर एक डॉक्टर अगर जाता है कहीं, अगर उसके पास साधन नहीं होगा, उसका सरकार अगर उपलब्ध करा देती है तो उसके समाधान हो सकता है, बिना समाधान का कोई चीज नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर देखिए महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कैसे इंतजाम है वहां पर। महिला की बात करें तो देखिए पौड़ी जिला हमारा लगातार इस तरह से कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो प्रशासन उस पर निगरानी रखता है, पुलिस प्रशासन की बात करें हालत में मैं बताऊं तो सुधार काफी हुई है, लेकिन जहाँ पे कमी है उन कमियों को दूर करें। प्रशासन से मेरी अपील यही है कि कहीं पे देखिए आजकल जंगली जानवरों का डर रहता है, मैं कहता हूँ कि पौड़ी हमारा एक ऐसी जगह अच्छी जगह है, ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें नहीं होती है, लेकिन कुछ टाइम से पहले की बात करता हूँ थोड़ा सुधार काफी हुआ है, मैं मानता हूँ इस चीज को कि पौड़ी जिले में काफी थोड़ा सा सुधार हुआ है। जी ठीक है भगवान, और अगर देखिए बात की जाए विधानसभा चुनाव को लेकर तो देखिए नाराजगी तो कहीं ना कहीं तस्वीरों के जरिए ही दिख रही है कि किस तरह से महिलाएं नाराजगी जता रही हैं, क्योंकि विधायक लापता के यहाँ पर पैम्पलेट्स भी लगे, तो क्या पूरे 5 साल में एक बार भी विधायक ने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं बताऊं आपको विधायक का जिस गांव की बात करें उस क्षेत्र में अगर ना विधायक ने दौरा नहीं किया है, क्योंकि पौड़ी विधायक जो मैं बता दूं आपको, देखिए अगर ना शायद मुकेश कोहली मेरी इस वीडियो को या लाइव को हमारे देख भी रहे हो तो मुझे इससे कोई वो नहीं पता, विधायक जो कि हमारे पौड़ी विधानसभा के विधायक है मुकेश कोहली का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो सरकारी गेस्ट हाउस है उसमें रहने का, मतलब जब से 5 साल से विधायक बने हैं तब से वो सरकारी गेस्ट हाउस का
इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरफ से रखते हैं कि क्या मैं समझ नहीं पाता हूँ, अगर ना आम आदमी जाता है कहीं गेस्ट हाउस में तो उसे 7 दिन से परमिशन ज्यादा नहीं मिल पाती है, लेकिन विधायक को 5 साल की परमिशन कैसे मिल गई, ये प्रशासन पे भी बड़ा सवाल होता है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूँ कि विधायक जब से बने तब से इस उसमें गेस्ट हाउस के सारे से रहे। जी ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय भी जुड़ गए हैं, एक हरेंद्र सिंह है। हरेंद्र जी आपका स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। हरेंद्र जी आप बताइए, पौड़ी विधानसभा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी क्या समस्याएं हैं वहां के स्थानीय लोगों की। हरेंद्र जी शायद आपने अपने ऑडियो को म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए उसे, फिर आपकी आवाज आएगी। हाँ जी मैडम। जी 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 ठीक है, अब आपकी आवाज आ रही है, अब रखिए अपनी बात। हाँ जी हाँ जी, विकास तो हुआ है मैडम, थोड़ा बहुत इसमें जी थोड़ा कुछ कमियां रह गई हैं। जी लेकिन हरेंद्र जी हम तो तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि वहां पर तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, सड़कों की हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, महिलाएं विधायक को ढूंढ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है। नहीं हमारी इधर तो हो रखा है काम, लेकिन थोड़ा सा रोडों का है, थोड़ा उसमें दिक्कत। ठीक है, आपके इलाके में क्या सड़कें बनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शिक्षा के लिए सब चीजें हैं? हाँ जी हाँ जी, शिक्षा के लिए हाँ जी। स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हाँ जी हाँ जी मिल रही हैं। ठीक है, और अगर कोरोना के समय की बात की जाए तो कोरोना के समय में भी सभी सुविधाएं मिली थी? जी जी मैडम मिली थी। और विधायक जी करते हैं क्षेत्र का दौरा या नहीं, जनता से बातचीत करते हैं? हाँ जी करते हैं जी। और समस्याएं जो जनता की है वो उनको जानने की कोशिश करते हैं? हाँ जी फोन पे भी बातचीत होती है, मैं बूथ अध्यक्ष हूँ यहाँ से जी, बातचीत होती रहती है, समस्याओं का समाधान करते हैं। आपकी बात होती है विधायक जी से? हाँ जी होती है, लेकिन हम देखिए जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर तो महिलाएं लापता विधायक के पैम्पलेट्स लगाकर घूम रही हैं कि ना, और हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि क्षेत्र में तो विधायक बहुत कम ही आते हैं, जनता की नाराजगी है इसी बात को लेकर। नहीं जी देखो कोई समस्याएं होती हैं, प्रत्येक चीज नहीं हो पाती, लेकिन कुछ काम तो सही कर रखे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कौन से काम सही कर रखे हैं पहले आप ये बताइए। जी हमारे यहाँ रोड बना रखी है, सीसी रोड है, आर्थिक सहायता से है, पानी की सुविधाएं हैं जी, और नेटवर्क वगैरह की समस्या नहीं है कोई भी, बिजली सही समय पे मिलती नहीं, है? नहीं नेटवर्क। हाँ जी। ठीक है, भगवान सिंह देखिए लगातार ये बता रहे हैं कि इनके इलाके में तो सभी सुविधाएं हैं, सड़कें भी बनी हुई हैं, बिजली भी सही है, पानी की भी व्यवस्था है, स्वास्थ्य सुविधाएं भी हैं, इससे तो लग रहा है कि कहीं भी पौड़ी विधानसभा में कोई समस्याएं नहीं है। नहीं अलग अलग क्षेत्र है जी, तो अलग अलग उसमें हमारी तरफ तो ठीक है जी। ठीक है भगवान सिंह आप बताइए। हरेंद्र भाई से मैं एक पूछना चाहता हूं कि हरेंद्र भाई जो आपके बताइए, आप कह रहे कि विधायक जी से मेरी बात होती है, विधायक जी को ये पूछिए कि 5 साल में आप जो गेस्ट हाउसेस में कितने दिन कम रुके हैं और कितने ज्यादा रुके हैं, जरा आप मुझे ये बता दीजिए। हरेंद्र जी आप अगर आप विधायक जी से आपके इतने अच्छे संबंध है, और क्योंकि आप एक कार्यकर्ता है इसलिए आप क्योंकि कहीं विधायक जी आपको ये ना कह दे कि क्या कारण है, तो आप मुझे हरेंद्र जी इस चीज का जवाब दीजिए कि आपके विधायक गेस्ट हाउस वाला कहाँ रुकते हैं, ये बताइए आप मुझे जी। उधर का तो हमें पता, पौड़ी का तो नहीं, अपने क्षेत्र का हमें पता है, हम बूथ अध्यक्ष यहाँ पे, अपने क्षेत्र का पता है। कहाँ रुकते हैं, क्या करते हैं, उसका क्या? ठीक है हरेंद्र जी, चलिए ठीक है, शायद नेटवर्क इशू है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए भगवान सिंह कहीं ना कहीं जनता का जो है दो चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, एक तरफ तो महिलाएं नाराज दिख रही हैं, दूसरी तरफ जो स्थानीय हमारे साथ अभी जुड़े थे वो कह रहे थे कि सभी काम विधायक जी ने कराए हैं और विधायक जी से फोन पर भी बातचीत होती है, यानी कि क्षेत्र का दौरा वो करें ना करें लेकिन जनता से खूब फोन पर बात कर रहे हैं।
बिल्कुल मैं अब बताऊं विधायक जी, मैं निकाल नहीं रहा हूं कि विधायक जी पौड़ी में नहीं रहते हैं, पौड़ी क्षेत्र में रहते हैं विधायक जी, मैं मानता हूं, लेकिन जहां पे जिस समस्या का होने चाहिए कि विधायक जी को वहां पे उसका समाधान करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूं। विधायक जी को मेरे अनुरोध है अपने चैनल के माध्यम से कि विधायक जी अगर ना आपको 5 साल जनता ने चुन के भेजा है तो जनता के हर क्षेत्र में आपको रहना पड़ेगा, हर समस्या को समाधान करना पड़ेगा। और जहाँ की बात करी भाई ने कि बूथ अध्यक्ष की बात करी, उन्होंने कहा कि देखिए अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो बताएगा, कार्यकर्ता ये तो नहीं नकारा गया तो नहीं कि नहीं जी विधायक जी ने काम नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं इस पे मैं मानता हूँ कि जहाँ पे मैं तो माध्यम से ये कहता हूँ माननीय विधायक जी से, मुकेश कोहली जी से, कि कोहली जी आप जहाँ पे आपके खिलाफ ये पोस्ट तक या पैनल लगाए गए है, आप एक बार वहाँ पे जाइए और जनता के समाधान को समाधान करिए। अगर ना आप उस जनता के समाधान को समाधान करते हैं, हम उस चीज को भी आपके मुख्य प्रवक्ता से अब उस चीज को भी उठाएंगे कि हाँ विधायक जी ने इस पे संज्ञान लिया है और विधायक जी ने इसको समाधान लोगों की समस्या को दूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और ये तो एक कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज भी होगी अगर विधायक जी पहुंचेंगे जनता के बीच और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन अगर देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं भगवान सिंह के विधायक जी बहुत कम क्षेत्र में आते हैं, अगर कोरोना के समय की बात कर ली जाए तो क्या विधायक जी ने क्षेत्र की जनता की मदद की थी कोरोना के समय में जब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लग गई थी? बिल्कुल, मैं देखिए मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं अभी नकारूंगा नहीं कि विधायक मुकेश कोहली के क्षेत्र भ्रमण डॉक्टरों के तमाम थर्माकोट तमाम उनका तमाम सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई थी, मैं स्वयं साथ में था उनका विधायक जी के साथ, तो तमाम सभी सीसी हॉस्पिटल जो छोटे हॉस्पिटल है वहाँ पे तमाम डॉक्टरों को किट वगैरह तमाम सब उपलब्ध कराई थी। मैं मानता हूँ कि विधायक जी ने ऐसा कार्य करे है, लेकिन विधायक जी से मेरा अनुरोध ये है कि जहाँ पे रोडों की कमी है, जहाँ पे स्वास्थ्य की कमी है, आप थोड़ा उस तरफ ज्यादा फोकस करिए और जहाँ पे लोगों की समस्या है उस समाधान को किया जाए, क्योंकि जैसे कि चुनाव नजदीक आए तो ये खैर नरेली का समय है, जो खैर का गांव का गांव का मामला है कि टावर नहीं तो वोट नहीं, तो आप बताइए ये वीडियो तो हमने नहीं बनाई, ये सोशल मीडिया खुद स्वयं आ रही है, महिलाएं अपनी आपत्ति सुना रही है, तो विधायक जी को अगर संज्ञान में ये बातें, मैं मानता हूँ कि विधायक जी की बात आज मैं स्वयं में बताऊँ कि आज विधायक जी मेरे साथ स्वयं सुबह के टाइम पे जब बच्चों को 15 साल से 18 साल के बच्चों को कोविड का टीकाकरण किया गया था, तो स्वयं विधायक जी वहाँ पे मौजूद थे, स्कूल में वहाँ पे गए और उसके बाद वहाँ से निकल गए अपने कार्यक्रम में। देखिए अब उनका कार्यक्रम कहाँ था ये तो मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन मैं विधायक जी को एक अनुरोध करूंगा कि जहाँ पे जो कमी रह गई उन कमियों को दूर करें और हम उस चीज को भी दिखाएंगे, ये नहीं कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब कुछ टाइम बच गया है कि शायद मेरे को लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले पहले विधायक जी को जरूर इनके बारे में सोचने चाहिए, नहीं तो जिस तरह से वो लोग कह रहे हैं रोड नहीं तो वोट नहीं और टावर नहीं तो वोट नहीं, तो कहीं ना कहीं से भाजपा को नुकसान 2022 में देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है भगवान सिंह, और देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं वहां के बारे में, आप बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं पौड़ी विधानसभा की। देखिए कांग्रेस की भी वहां पर सरकार रही है उत्तराखंड में और बीजेपी की भी, तो ऐसे में किस सरकार के कार्यकाल के दौरान पौड़ी विधानसभा में ज्यादा काम हुआ है? मैं देखे मानू तो अगर ना देखा जाए तो जो काम कभी जो काम मैं किसी की सरकार के खिलाफ हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो पहले विधायक थे कि यहाँ के जो स्वर्गीय विधायक थे कांग्रेस के विधायक थे मंदुरवाल जी, मैं उनको भी श्रद्धांजलि करता हूँ कि क्योंकि अगर देखिए उन्होंने भी विकास की बात करें तो उन्होंने भी किया, लेकिन भाजपा ने अगर कांग्रेस की उससे अपनी इस सीट को अपने कब्जे में किया है और ये युवा विधायक है मुकेश कोहली बताऊँ मैं तो आपको युवा विधायक है, लेकिन इस बार अगर भाजपा उनको टिकट देती है कि उनके कामकाज से तभी पता चलेगा। कई बार विधायक जी का विरोध होता है, लेकिन विधायक जी का मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विधायक जी जब किसी को नाराज हो जाते हैं तो दूरी करने के लिए भी सेकंड नहीं लगाते, लेकिन मेरा अनुरोध है विधायक जी से कि जहां पे ये मामला उठा है इस मामले को जरूर उठाएं, क्योंकि कहीं रोड ऐसी है कि जहां पे दुर्घटना होने की खतरा बना रहता है और कभी भी कोई घटना घट जाती है, तो शायद मेरे को यही कहते हैं कि भाई क्षेत्रीय विधायक क्षेत्र में नहीं है, तो ये लोगों का जो अच्छा विधायक जी रहते भी है तो वो भी नकार लिया जाता है। जी चलिए ठीक है भगवान सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आज मेरा गांव मेरा देश में हम बात कर रहे थे पौड़ी विधानसभा की, तस्वीरें तो दिखाती हैं कि विकास नहीं हुआ है और लगातार पूरे आधे घंटे हमारे संवाददाता ने भी वहां से बताया कि पौड़ी विधानसभा की आखिर क्या स्थिति है और क्या वहां के हालात हैं, ना तो वहां पर विधायक पहुंचते हैं और ना ही जनता से बात करने की कोशिश यहां पर उनकी तरफ से की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा के साथ, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।